कार का नहीं विंग्स बनाया हुआ है और फ्रंट से उनका पोस्टर उनका बेस है। वो तो जाएगा नहीं देखेगा, ये ऐसे रहेगा, तो ऐसे रहेगा। अब यहाँ से दिखना बंद हो जाएगा। इसमें एंट्री करने से पहले जो सर्च था, हम यहाँ से वापस गए थे कल, यहाँ पे सर्च होता है हमारे बैग का। कुछ बोलेगा क्या हो गया? ठीक है सब, चरमे था यार। मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? और डे 18 शुरू हो गया है और हम खड़े अपने होटल के बाहर और हम जा रहे हैं तिरुपति बालाजी टेंपल और आज वहीं जाएंगे। एक्चुअली पहले बता दूं, टेंपल्स के अंदर फ़ोन लेना अलाउड नहीं है, बट हम कंपाउंड में जाके कुछ शॉट्स लेंगे, आपको दिखाऊंगा जितना अच्छा हो सकता है, जितने क्लिप्स आ सकते हैं वो दिखाऊंगा, बट उसके अंदर जाके अलाउड नहीं है, ये हर जगह हो रहा है। तो स्टे ट्यून, आगे चलते हैं। और हमने आज अपनी कैब से जा रहे हैं, हमारी गाड़ी नहीं जा पाती, वो रीज़न मैं बताता हूँ। तो हम अपनी कैब में आ गए हैं क्योंकि गाड़ी इसलिए नहीं जा सकती थी क्योंकि हम, मेरा जो लगेज है वो बहुत ज़्यादा, मेरी गाड़ी में मतलब ऑलमोस्ट वो फुल है और वहाँ पे एक एक चीज़ें चेक करके अंदर जाएंगे, स्कैन करके, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और हमारे साथ हमारे विनय भाई, जो विनय गणपति, राइट, तो हमारे साथ हमारे भैया हैं, तो साथ जा रहे हैं और हम जितना जल्दी हो के आ सकते हैं, क्योंकि ना वह तीन बातें हैं। अगर टेंपल में आप फ्री एंट्री जाते हैं तो आपको 6-7 hours लगेंगे, राइट विनय भाई? देन आप पास लेके जाते हो, देन आपको 4-5 hours लगेंगे। एंड हम जा रहे हैं, देखते हैं, हम दोनों में से कोई नहीं, हमारा थर्ड ऑप्शन है, हम सिर्फ कवर करने जा रहे हैं और देखते हैं दर्शन होंगे कैसे होंगे। तो चलो, और धूप निकल गई यहाँ पे एंड टाइम इज 6:12 AM। हम कल यहाँ से वापस चले गए थे बट अभी आज हम मेरे भैया के साथ हैं तो अभी यहाँ से जाएंगे क्योंकि यहाँ पे चेकिंग होगी। देन बहुत ज्यादा सेफ्टी को लेके यहाँ पे ना काम किया गया भाई, बहुत ज्यादा। इसमें एंट्री करने से पहले जो सर्च था, हम यहाँ से वापस गए थे कल, यहाँ पे सर्च होता है हमारे बैग का और यहाँ पे सारी गाड़ियाँ चेक की जाती खोल के कि गाड़ी के अंदर कुछ है या नहीं है। ऑलमोस्ट सब अपनी गाड़ी है। ये पूरे लोग आराम से जा रहे हैं, आराम आराम से जा रहे हैं। It's been a while since I've seen your face. How you been? I'll admit I really miss this place. Just so you know you haven't been replaced. मतलब ये नेचर है ना? नेचर से ही बना हुआ है सारा। ये भगवान बनाया है इधर से, इधर 7 hills है। ओके, वेंकटाद्रि, ऋषभाद्रि, नारायणाद्रि, मल में 7 hills है बालाजी टेम्पल का। 7 hills है पूरा, ऐसे लिमिटेड है। ओके, सिटी है लिमिटेड है, ज्यादा नहीं है, लिमिटेड। अच्छा, मतलब लोग रहते हैं? सर सर वहाँ पे लोग रहते हैं? हाँ रहते हैं, आदमी है वो बालाजी के सेवा करके आदमी है ना। हाँ, पुजारी, नौकर है। ओके, बाद टीडीडी एम्प्लॉय है। हाँ, टीडीडी देवस्थान में ऐसे एपी का अलग है। ओके, अच्छा एंडोमेंट है। ओके, मूर्ति है, मूर्ति। ओ लास्ट लास्ट वो रिकॉर्ड कर, हमने बोले वो लास्ट 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 बिल्कुल। तो अभी आपने देखा माउंटेन पे अपना पूरा तिरुपति बालाजी का पूरा था फोटो, भैया ने दिखाया कि स्टैचू है पूरा बना हुआ शेप में और सच में ना बिल्कुल वो बना हुआ है, नेचुरल है, नेचुरल है वो किसी ने बनाया नहीं, नेचुरल है, भगवान ने बनाया, नेचुरल है, नेचुरल है वो बिल्कुल। और
और मैंने अभी उसको जूम भी करके दिखाने की कोशिश की, बट सच में हम एक तरह से अच्छे दर्शन होते हैं ना, वो कहते हैं कि मंदिर जाना, और वो अभी हमारा एंट्रेंस आ गया है तिरुमला यहाँ से एंट्रेंस है हमारा। एक अर्जुन अर्जुन कृष्ण है ना, ओके वो इधर है देखो, ओके कृष्ण अर्जुन जी का रथ है ना, वो गीता में भी कहा है, तो यहाँ पार्क काफी अच्छा बनाया गया है और अभी एंट्रेंस होता जा रहा है भाई। Can I ask you, was it something I did? Still I wonder, cause it isn't too clear. I don't want no trouble, tired of the lies. You found yourself another, heart as cold as ice. तो भाई फैंटा बहुत सालों के बाद देखी गई है, और भाई चाय बनाने का स्टाइल देखी बहुत नींद थी मेरी, आंखें देखो, एनर्जी देखो, अब चाय पीने के बाद देखो अलग ही लेवल पे हो जाएगा। बट सच में यार थोड़ा थके, एंड इन्हें भैया चाय रेडी, थैंक यू। तो अपनी चाय My new subscriber Shankar, thank you so much for taking my photos. Thank you, bro. और हम आ गए हैं बालाजी के मंदिर के बाहर, खड़े हैं, बहुत भीड़ है यहाँ पे। अब अंदर कैमरा फोन कुछ अलाउड नहीं है, बट ये पूरा कंपाउंड है यहाँ का, पूरा कंपाउंड ये है। बट सच में वाइब्स हमेशा टेम्पल्स में आके अच्छी ही रहती है। अभी आगे बढ़ते हैं वापस और निकलेंगे यहाँ से, कुछ शॉर्ट्स ले लिए हैं जितना हो सकता है। आइए तिरुपति बालाजी, वो बहुत अच्छी जगह है, बाबा के दर्शन होंगे, बहुत अच्छा रहेगा। कुछ और शॉर्ट्स देखता हूँ मैं, पूरा अपना अच्छा सा बनाने की कोशिश करूँगा यार। यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल लेक है, देख सकते हैं इसका ना पानी बिल्कुल ब्लू है, मतलब कितनी सफाई रखी गई है, लोग नहा रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, बट यहाँ सफाई कितनी रखी गई है कि पानी बिल्कुल साफ है, मतलब बहुत साफ है भाई। बहुत बढ़िया फैसिलिटीज बहुत है। एक पीछे मुंडन सेंटर है जहाँ मुंडन होता है, और यहाँ पुलिस के लिए भी है, फर्स्ट एड के लिए, मेडिकल के लिए, बहुत चीज़ें अच्छी की गई है। क्लीननेस जो बहुत है, मतलब खाने को बनाने का, चाय बनाने का, बहुत साफ़ रखते हैं यार, बहुत। और ये देखो रास्ते देख के पता चला आपको, कभी आप कहीं जाएँ ना सिटी में तो उसके रोड्स को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कहाँ और कैसे जा रहे हैं,
और कितनी अच्छी सिटी मिलने वाली है। तो किसी के घर में जाना है तो किसी के बाथरूम चेक कर लो, कितने से घर का पता चल जाएगा। किसी आदमी का पता तो उसके अंदर की बनियान चेक कर लो, सैंडो पता चल जाएगा। और कुछ ना पता तो उसकी गाड़ी का टैंक चेक कर लो, जिसमें डीजल फ्यूल डलता है, उससे थोड़ा बहुत अंदाजा लग सकता है कि आदमी कैसा है। तो गाइस दर्शन करके आ गए हैं, प्रभु का नाम लिया, जो थी श्रद्धा वो की पूरी कंप्लीट, जो अपनी आस्था थी जो मेरा था, मैंने कि मांगना था मैं आया, बट भगवान है उसके लिए बस यहाँ होना चाहिए, यहाँ यहाँ नहीं है तो आप कुछ भी लेके चले जाओ वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और यहाँ है आप कुछ मत लेके जाओ सब चीज़ एक्सेप्ट होंगी। तो अपनी गाड़ी खड़ी है, विनय भाई ये आ रहे थे वेट कर रहे थे, और अब यहाँ से चलते हैं होटल, क्योंकि मुझे निकलना, क्योंकि अपना डेस्टिनेशन है रामेश्वरम, आज पहुँचना है किसी भी हालात में यार। तो चलो एंड लेट्स गो 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 गो। यहाँ पे अगर आप आते ना, स्टेयर्स हैं 3065 लमसम, और यहाँ पे देखो कितनी केयर की, एक पैदल चलने वाले को ना ग्रीन कारपेट इनको गीला करा जाएगा, ऊपर भी ग्रीन मैट लगाया है जो इसपे धूप ना आए। बट सच में यार इसे कहते हैं केयर करना लोगों की, आने वाले श्रद्धा में जो भक्ति मतलब भक्त होते हैं, जो बालाजी महाराज के भक्त हैं वो आते हैं, उनकी पूरी केयर की गई है, नो डाउट। बनाया गया है हाँ ये ओके, वो इधर भी मिलता है तो ये चंदन है, गाइस ये पता क्या है, ये वो जो पुष्मा मूवी में जो रेड चंदन जैसे यूज किया गया था वो ये वाले पेड़ है, पुष्पा मूवी झुकेगा नहीं सारा, रेड सैंडल है एरे चंदन वाला तेलुगु, जैसा चला फॉरेस्ट में मिलता okay. दुनिया में कभी नहीं, नहीं मिलता नहीं, नहीं, नहीं मिलता okay. दुनिया में कभी किधर भी नहीं, नहीं ओनली यहाँ मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। एक और चीज नहीं पता चली तो पुष्पा यहाँ से उठा के ले गया था, ट्रक भर के ले गया था भाई, यहाँ भाई सेफ्टी का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ना बहुत ही जरूरी है सेफ साइड। और देखो इनोवा कहाँ घुसी हुई है यार, और भाई बहुत महाराष्ट्र, और ये MH नंबर है ना, योर का नया नहीं था ना, कुछ बोलेगा क्या हो गया, ठीक है सब, तो भाई सेफ रहो यार, इस साइड आके सेफ रहना जरूरी है। अब ये छोटा सा इंसिडेंट है, कोई ओवरटेक करने के चक्कर में हुआ ये जो हुआ है, दैट्स इट। यहाँ ओवरटेक ना करे, आराम से चले, एक स्पीड से चले, यहाँ कोई आपको फॉर्मूला वन रेस नहीं हो रहा है, आप दर्शन करके आए हैं अच्छे से कर जाए, धीरे धीरे आएगा, हाँ बिल्कुल, बहुत सेफली आए हम, 10 मेरे ख्याल से 5-10 मिनट्स का वो रहेगा बस उसमें यार अपना। 1943 अप्रैल हाँ ओपन 1943 से है, देखो वो देखना आप, वो देख रहे हैं एक, हाँ ये विंग्स है साइड में, और उनका ना पूरा वो आप देख पा रहे हैं नोज है, गरुड़ा जी का पूरा पोस्चर बना हुआ है, नेचर है, भगवान जी का बना हुआ है, वाहन है हाँ। तो देखिए भाई इंडिया में भाई बहुत चीजें हैं देखने के लिए, लोगों को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, देखो देखने का हाँ नोज तो बिल्कुल क्लियर, पूरा चेहरा है ना, नेक है पूरा दिख रहा है, ये विंग्स है हाँ, ये पूरा विंग्स है पहाड़ का ना, ये विंग्स बनाया हुआ है, और फ्रंट से उनका पोस्चर उनका बेस है, वो तो जाएगा नहीं देखेगा ये ऐसे रहेगा, तो ऐसे देखेगा, अब यहाँ से दिखना बंद हो जाएगा, पहाड़ का ना ये विंग्स बनाया हुआ है, और फ्रंट से उनका पोस्चर उनका बेस है, वो तो जाएगा नहीं देखेगा ये ऐसे रहेगा, तो ऐसे देखेगा, अब यहाँ से दिखना बंद हो जाएगा। सो गाइस अपना होटल आ गया, अरविंद भाई का बोलने का टाइम, भाई थैंक यू सो मच भाई, और हम जल्दी मिलेंगे, आप सेफली अच्छे ड्राइविंग करोगे, काफी एडवाइस दिया भाई ने और बहुत अच्छी बातें हैं, तो थैंक यू सो मच, और कभी दिल्ली आएगी, दिल्ली आएंगे, थोड़ा आराम करेंगे, जय श्री राम, जय बालाजी, जय श्री राम, दैट्स ग्रेट। सो अभी थोड़ी देर लेटेंगे 2 घंटे के आसपास, और फिर निकलेंगे यार, क्योंकि वहाँ मुझे पता निकलते पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता बीच में कुछ ऐसा हो, तो मैं 2 घंटे का एक नए बढ़िया सा नींद लेके फिर निकलेंगे, तो आराम करते हैं, जल्दी मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड गाइस। टाइम हो गया है 11:37, और कालू रेडी हो गया है, हालत बेकार है, और टायर में शायद पंचर है, क्योंकि वो लगवाना पड़ेगा, और अभी जाके थोड़ा खाना खाऊंगा, निकलूंगा फिर यहाँ जितना जल्दी हो सकेगा होटल से, बाय बाय। बट सर्विस बेकार है यार इसकी, बहुत बेकार रूम सर्विस, मैं फेड अप हो गया इस वजह से, और बहुत कॉस्टली था। चलो कल खाना खाते हैं, यहाँ कनका मैम मिली, और मतलब लंच टाइम तो नहीं है, पर ब्रेकफास्ट और ब्रंच कुछ भी कह सकते हैं, बहुत बहुत स्वीट है,
मोबाइल लेके आई, बोला मेरे को इसमें सब्सक्राइब कीजिए मैं देखूंगी, तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो ऐसे अच्छे मिलता है यार, सबसे बड़ा प्यार मिलता है ना तो अच्छे लगता है। और अपना सारा भी खाली है, हम भी खाली हैं और हम भी खा के निकल रहे हैं, अभी हम रामेश्वरम जाएंगे, फिर कभी मिलेंगे जरूर। टेक केयर मैम, बाय बाय। जो हमने देखे ना कल कील वो वाली है, तो अभी देखते हैं पीछे का नेट है, थोड़ा पीछे और पीछे ना, यहीं से लीक हो रहा है। बहुत बड़ी है भाई, किचर में था यार, बहुत बड़ा है ये देखिए। तो भाई पंचर लग गया है, इतना बड़ा कीला था, इतना बड़ा। तो आगे बढ़ते हैं, एक टेंशन खत्म और आगे देखें क्या होगा। गाइस रास्ते जा रहा था, उधर रोड है, बहुत अमेजिंग लोकेशन मिली। देखो ये पहाड़ देख रहे हैं आप, ये वाले, और एक इधर है भाई, बहुत अच्छी लोकेशन है। तो सोचा एक ड्रोन शॉट मारा जाए, अपना ड्रोन रेडी है तो चलो शुरू करते हैं। ओह भाई, started as a whisper, message from a new world I'd never known. Something about it felt like I've been waiting my whole life. Is this home? I can hear reason calling my name, and I feel angels around when I start to say. ड्रोन शॉट कैसे लगे, मजा आया? तो ड्रोन बहुत गर्म हो गया वैसे, तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि रास्ता अभी 6 घंटे 40 मिनट बाकी है ब्रो। चलो ये बच्चा है, कोई संभालने वाला नहीं है इसको यार, अब क्या करूँ समझ ही नहीं आ रहा है। बट सच में ना लोग बहुत गंदे हैं यार, साला मार के चले गए इसको, कुत्ते का बच्चा रुका भी नहीं एक बार। शिट मैन यार, नया पंगा रखा यार, ब्लूटूथ कनेक्ट करने की कोशिश करना हो ही नहीं रहा है, कभी ये नेविगेशन कहीं घुमा देता है यार, लेफ्ट लेके एकदम राइट लेके सीधा आगे कनेक्ट करता कच्चे सड़कों से। तो गाइस कालू खड़ा वहाँ पे और हम रुक गए हैं अभी यहाँ पे कुछ वेज डोसा खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना पूरा केले को पत्ते वगैरह में खाना खिलाने का सारा वो है। और अभी यहाँ पे ना भाई ऐसा बनाएगा, मुझे वेज खाना है और देखते हैं क्या मिल सकता है अभी। बट मैंने अभी जूस पिया क्योंकि गर्मी लगी तो मेरे को ठंडा भी ना चाहिए। एक्चुअली क्या है, सब कह रहे बारिश है बारिश है, साउथ में बारिश नहीं मिल रही है। कहाँ है बारिश गुरु, कह रहे तूफान आ रहे है, कुछ नहीं है। आ गया अपना मसाला डोसा, नॉर्मल डोसा, नॉर्मल मसाला नहीं है, नॉर्मल डोसा है भाई, मसाला नहीं है। और ये अभी भैया वो लेके आएंगे, इसमें ना अपने आप अपना डालो खाओ, कैसे खा सकते हैं इसको ट्राई करेंगे। कैसे कहाँ डालते हैं इसको, ऊपर ऊपर डालिए। तो इधर डाल दिया सांभर और हल्का सा डालना, हल्का सा चटनी। ओके ये क्या है, चटनी। ओके बहुत तीखी तो नहीं है, मिर्ची ज़्यादा नहीं रही है। ओके तो भैया ने सांभर मिर्ची एंड कोकोनट का जो चटनी वो डाल दिया, सांभर हाँ डाल दीजिए बस, ये ऐसे अब ऐसे खाना है इसको। तो चलो लेट्स सी, टाइम हो गया 10:30-11 का और अब मेरा रामेश्वरम रह गया है करीबन 4-4.5 घंटे। तो अगर सुबह पहुंचता हूँ फिर चेक इन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि चेक इन टाइम 12 noon, तो मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा बीच में ताकि मैं 7-7:30 तक पहुंचूं और रामेश्वरम को कवर करके सीधा होटल चेक इन और स्टे करके आराम करें। तो चलो अभी गाड़ी में थोड़ा आराम कर रहे हैं, सामान पैक अपना, तो भैया बैठ दोनों सीटें हैं
बस इन दोनों सीटों पे एडजस्ट हो रखे हैं, नहीं सो जाना, नींद आ जाए बस। सो अभी एपिसोड ख़त्म नहीं हुआ है, एक्चुअली एपिसोड लंबा हो गया था तो थोड़ा सा स्किप नहीं करना है, तो अभी नेक्स्ट पार्ट कल सुबह 9:15 फिर आने वाला है, तो स्टे ट्यून गाइस। तो भाई अभी तो राम सेतु बाकी है अपना यार, तो स्टे ट्यून, बिल्कुल मिस नहीं करना गाइस। तो चेक किया, खुश रहो, मजे करो, जगह नगर, यहाँ रामेश्वर में आ गए हैं, बाय।